हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी इंडिया और यूएस का जो डिफेंस डील साइन हुआ है उसके बारे में इंडिया और यूएस का सिंस वी ऑलरेडी नो डायलॉग चलता है बट अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो ऑलमोस्ट चौबीस करोड़ का एक डिफेंस डील साइन हुआ है मिसाइल्स और टॉर्पीडोज के लिए भारत की नेवी के लिए क्या है ये डील कौन से कौन से एम्यूनिशन um, uh, के लिए ये डील साइन हुआ है आज की क्लास में वो सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे अगर हम इंडिया और यूएसए की बात करें तो अपेरेंटली इंडिया इज रियली वेरी हार्ड कि वो किसी भी तरीके से अक्वायर कर सकते हैं अमेरिका कामए सिक्स रोमियो माल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स का पार्ट है अलॉन्ग विद ये जो रोमियो मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स हैं ट्वेंटी फोर ऑफ दीज ट्रॉपर्स द इंडियन नेवी जहां पे ऑलमोस्ट दो बिलियन डॉलर का ये डील हुआ था दो हजार बीस में बीस में and from there upon it has been said ki they will be equipped with a lot of weapons अब uh, to carry out a lot of covert operations, rescue operations या uh, जिस tarike ke के uh, operations ke liye zarurat पड़े with अब uh, with reference to the military or the defense operations. Another important part about this particular defense deal or rather this particular package would be जहाँ पे MH-60 जो Romeo choppers हैं उनको एक advanced stage पे buy करेगा हिंदुस्तान. अब uh, uh, rather negotiations चल रहे हैं कि हम किस तरीके से 300 million dollar के deal को इंक्लूड किया जा सकता है इंडियन नेवी हेल्थ मिसाइल जो है एक प्रिशन गाइडेड मिसाइल है जो कि अमेरिकन फोर्स कंटिन्यूसली यूज करते जा रहे हैं फॉर स्पेसिफिक टारगेट्स या फिर जो भी उनके हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं इक्लूडिंग टेरिसाह ऑन दी अदर हैंड जो इनका एम के फिफ्टी फोर लाइट टॉर्पीडो है इसको कंटिन्यूसली यूएस का सर्फिस uh, शिप है वो यूज करते जा रहा है फ़िक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स जहां पे ये इनका सबसे प्रोमिनेंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर uh, वेपन uh, का, का काम करता है अगर हम बात करें एम के फिफ्टी फोर टॉर्पीडोज की ये किस तरीके से काम करते हैं क्या क्या इनकी इसेंशियल क्वालिटीज है वो जानते हैं एनके फिफ्टी फोर जो टॉर्पीडोज है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वॉटर मिसाइल होता है इसको आप सबमरीन से लॉन्च कर सकते हो किसी से लॉन्च कर सकते हो इवन फ्रॉम एन एयरप्लेन यू कैन लॉन्च इट और इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है द मोमेंट एड कॉन्टैक्ट विद ऑफ द सर्फेस वेसलरीन इट विल एक्सप्लोर सो इट रियलीड्स टू टच द सर्फेस ऑफ दी वेसिल और अब मरीन एंड देन इट विल एक्सप्लोर Uh, इसका जो प्राइमरी यूज होता है इक्विपमेंट का ऑफेंसिव uh, पर्पसेस के लिए होता है जहां पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में या हेलीकॉप्टर्स के साथ इसको डिप्लॉय किया जाता है

अब अगर हम बात करें आता है, जिसमें की सब कुछ है। अगर हम बात करें तो मिलिट्री सर्कल्स में एजीएम फोर आर नाइन एक्स के नाम से जाना जाता था इसको डेवलप किया था लॉकिट मार्टिन और नॉर्थ ग्रमन uh, ने अगेन बोथ फ्रॉम यूएसए जहां पे विद इन द यूएस सर्विस ओनली दो हजार सत्रह सेक्ट हुआ था और तब से ये कंटिन्यूसली यूज होते जा रहा है

अगर हम हेल्थायर आर नाइन एक्स मिसाइल की बात करें ये कैसे काम करती है ये कन्वेंशनल वॉरहेड्स में यूज की जाती है जहां पे हेलीकॉप्टर से ग्राउंड बेस्ड व्हीकल से या किसी छोटी शिप या फास्ट मूविंग व्हीकल से आप इसको आ, 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 फायर कर सकते हैं एट अ स्टेज ग्राउंड और सी बेस सिस्टम में ड्रोन के थ्रू भी यूसेज को आप स्प्रेड uh, कर सकते हैं इसमें कॉम्बैट अनमान एरियल व्हीकल्स या फिर यूएस मिलिट्री अगर uh, हम स्पेसिफिकली बात करें तो यूएस मिलिट्री की जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वहां पर स्पेसिफिकली आर नाइन एक्स मिसाइल का यूज होता है अगर आप आर नाइन एक्स मिसाइल सिस्टम का ऑपरेशनल प्रोसेस देखोगे तो हाइट होगी लगभग 180 सेंटीमीटर जहां पर रीपर ड्रोन जो होता है वो कैरी करेगा मिसाइल को ओवर द टारगेट अलोंग विद दैट ये मिसाइल को ड्रॉप किया जाएगा ड्रोन से और आफ्टर इट इज बीन पर्टिकुलर टारगेट फ्रॉम देयर अपॉन जब ये मिसाइल फायर होगी फ्रॉम दी पैनल्स जो आपको साइड में यहाँ पे पैनल्स दिख रहे हैं फ्रॉम द हैव बीन मार्क्ड अक्रॉस यहाँ से छह ब्लेड इमर्ज करेंगे मिसाइल मोमेंट्स बिफोर द इम्पैक्ट तो इसमें कंट्रोल स्पिन गाइडेंस सिस्टम स्पीकर सिस्टम होता है जिसका सबसे प्रोमिनेट रोल बिकॉज इट हैज नो वॉरहेड अटैच टू इट तो सबसे प्रोमिनेट सिस्टम इसके छह ब्लेड होंगे जो कि बिफोर दस्ट अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर द इम्पैक्ट रिलीज किए जाते हैं इतनी पूरी कहानी में ये जो 2400 करोड़ रुपए की डील हो रही है ह्यूज ह्यूज अमाउंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आता है इंडिया यूएसए डिफेंस डील का क्या है ये डिफेंस डील क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या क्या इसके प्रोमिनेट सेंटर्स है इंडिया इंप्रूव करना चाहता है अपना एंटी सबमरीन वॉरफेयर केपेबिलिटी को एंड अलॉन्ग वे दैट जो भी हमारा होमलैंड डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है यूएस का जो कमिटमेंट है अगर हम बात करें दैट इज इस कैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी को शेयर किया जा सकता है अलॉन्ग एशिया के लिए जहां पे इन द लाइट ऑफ रिसेंट जो हमने चाइनाटिन देखा है कि भैया इंडियन ओशन में क्या क्या कंटिन्यूसली uh, जो uh, अपना पावर प्ले चाइना का चलते रहता है रादर आपने आज भी अगर न्यूज देखी होगी जिस तरीके से चाइनीज ने अनाउंस करा है कि 12 ऐसी जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में साधन टिबेट का पार्ट है एज पर देन दैट अगेन इन इन सेल्फ सिग्निफाइज की हिंदुस्तान और यूएस का यह डील कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अलोंग विद आप एक अमेरिका का वार्निंग समझ सकते हो चाइना के लिए कि भाई जियो पोलिटिकल बैलेंस को कैसे भी टिल करने की कोशिश मत करो तो मत कोशिश करो इंडो पेसिफिक रीजन में आ, किसी भी तरीके से इन एनी फॉर्म टू चेंज द पावर प्ले अलॉन्ग विद का जो कलेक्टिव गोल है कि कैसे हम इंडो पेसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑल्सो इंडिया यूएस डिफेंस टील अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही स्टेट यून फॉर मोर एट अन अकेडमी लाइक दिस वीडियो शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड यू सब्सक्राइब टू अन अकामी यूपीएससी अनस्टॉपेबल थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एवरी वन